लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने पहली लिस्ट जारी की। 17 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मुंबई साउथ से अरविंद सावंत को टिकट। सांगली से चंद्रहार पाटिल, ठाणे से राजन विचारे को उतारा। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर को टिकट। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम, कहा पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने किया सरेंडर। बाला साहब थोराट ने भी उद्धव गुट पर जताई नाराजगी, कहा बिना बातचीत के नहीं घोषित करने थे उम्मीदवार। उद्धव गुट की लिस्ट जारी होने पर बोले राहुल शिवाले, संजय राउत थे तो अघाड़ी में बिगाड़ी होना तय है। महाराष्ट्र बीबी ने 8 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अकोला से प्रकाश अंबेडकर लड़ेंगे चुनाव। भंडारा गोंदिया से संजय केवट को टिकट। मुंबई में एनसीपी शरद गुट के संसदीय दल की मीटिंग। कोटे की सभी 10 सीटों पर हुई चर्चा। उद्धव गुट के मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार घोषित करने पर एनसीपी नाराज, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उद्धव गुट को कांग्रेस की दो चूक, गठबंधन धर्म का पालन करे। सांगली उत्तर मध्य मुंबई सीट पर फिर विचार करे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव, बातचीत से दूर हो जाएगा विवाद। राज ठाकरे की पार्टी मनसे की बैठक खत्म। बालानंद गांवकर बोले गठबंधन पर पार्टी जल्द करेगी ऐलान। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरा नामांकन, कहा 5 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा चुनाव। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सहित अशोक चव्हाण, विनोद तावड़े को जिम्मेदारी मिली। मुरादाबाद लोकसभा सीट से एसटी हसन का टिकट कटा। रुचि वीरा होंगी सपा की अधिकृत प्रत्याशी। रामपुर से अधिकृत प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्ला नदवी होंगे। मुरादाबाद से नामांकन दाखिल करने के बाद बोली रुचि वीरा, मुझे अखिलेश ने आशीर्वाद दिया, एसटी हसन मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, भाई हैं। कमलनाथ के गढ़ से सीएम मोहन यादव का निशाना, कहा यहां कोई गढ़ नहीं। बंगाल के कृष्णनगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजमाता अमृता रॉय ने पीएम मोदी से की बात, कहा बंगाल में गरीबों से लूटी प्रॉपर्टी, ईडी ने की अटैच, उसे फिर गरीबों तक पहुंचाना है। एलजेपी रामविलास ने जमुई सीट से अरुण भारती को दिया टिकट। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दाखिल किया नामांकन। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। कोयम्बटूर से के अन्नमलई ने किया नामांकन। तमिलनाडु बीजेपी चीफ को पार्टी ने लोकसभा चुनाव का दिया है टिकट। जयपुर में सीएम भजनलाल ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस ने झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा देश को कुछ नहीं दिया, चुनाव के समय फैलाते हैं अफवाह। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने की पूजा, परिवार के साथ की गंगा आरती, नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। साउथ चेन्नई से बीजेपी प्रत्याशी तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुरू किया प्रचार। चेन्नई के कोयम्बेडू इलाके में किया रोड शो। राजस्थान के अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने किया नामांकन, कहा विकास पीएम की गारंटी है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी कैंडिडेट्स का ऐलान। हिंजली से चुनाव लड़ेंगे सीएम पटनायक। बीजेपी के चार सुपार के नारे में घमंड झलकता है, लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में सीएम धामी ने की रैली। भट्ट के नामांकन के समय भी रहे मौजूद। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया नॉमिनेशन, कहा जनता फिर इस बार खिलाएगी कमल। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। भजनपुरा मार्केट में लोगों से काम के लिए मांगे सुझाव। बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने कैंपेन की शुरुआत की, लोगों ने की पुष्पवर्षा। मंडी में हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन। कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी का जताया विरोध। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी हुए शामिल। कंगना के अपमान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उपप्रमुख को किया तलब। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी पर जताई नाराजगी। भारत की अमेरिका को दो टूक, कूटनीति में दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। आईपीएस सदानंद वसंत एनआई के नए डीजी बनाए गए। आईपीएस पीयूष आनंद की एनडीआरएफ के डीजी पद पर हुई नियुक्ति। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी का तीसरा समन। 28 मार्च को दिल्ली ऑफिस में पेश होने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। चंडीगढ़ में करीब 20 जगहों पर ईडी की रेड। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर भी तलाशी। शराब घोटाला केस के सिलसिले में हुई छापेमारी। मथुरा के दौरे पर सीएम योगी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के बिदर में लोकायुक्त की रेड। जल विभाग के अधिकारियों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप। धार के बोधशाला परिसर में एएसआई सर्वे जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च से चल रहा सर्वे का काम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद, सरस्वती का पैदल मार्च। गाय संरक्षण के लिए अपने समर्थकों के साथ संसद तक किया मार्च। साउथ मुंबई में मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक हुक्का बार में अवैध तंबाकू सेवन का आरोप, बाद में नोटिस देकर छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। चकुरबत्ती पुष्पागा के जंगलों में दोनों तरफ से हुई फायरिंग। सर्च के दौरान 6 नक्सलियों के शव हुए बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस को कामयाबी। ककरवा बॉर्डर पर एक चीनी कपल को अवैध एंट्री करते हुए पकड़ा। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में प्लास्टिक कचरे में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। दिल्ली में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।
पुलिस ने मौके से गोली के साथ खोखे बरामद किए। हत्या का केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी।